Hello, hi everyone. I hope you all are doing well. Aaj date hai 24th of July 2021 aur hum discuss karenge Haryana ke current affairs. To dekhte hain aaj ka first question kya hai. First question mein pucha gaya hai, Haryana sarkar ne gramino ki vikas karyon sambandhi sujav aur shikayaton ke liye kaun sa online portal launch kiya hai? Which online portal has been launched by the Haryana government for suggestion and complaint related to the development work of villager? Options are Gram Das, Gram Sevak, Gram Darshan और मददगार. तो इसका सही आंसर है, ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इसका नाम है, इस पोर्टल का नाम है ग्राम दर्शन. ओके, ग्राम दर्शन नाम से ऑनलाइन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है. इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं. ये इंश्योर करेगा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर इन डेवलपमेंट वर्क और ये इजी वे है टू रजिस्टर देयर डिमांड. विलेजर्स जो हैं यहाँ पे अपनी डिमांड को, सजेशन को, कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर. और ये जो कंप्लेंट है जो की जाएंगी बाय विलेजर ऑन द ग्राम दर्शन पोर्टल, इन्हें जो है लिंक किया जाएगा सीएम विंडो के साथ ताकि कोई डुप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट ना हो सके. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज अप्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर for 6 cluster to assist in successful implementation of which scheme? Options are Atal Bhujal Yojana, Mera Pani Meri Virasat Yojana, Micro Irrigation Scheme or Pradhan Mantri Kisan Yojana. To iska sahi answer hai, ye cluster banaye gaye hain Atal Bhujal Yojana ke liye. A is the right answer. Iske bare mein hum baat kar lete hain, iske regarding abhi jo hai review meeting hui thi Atal ground water scheme ko lekar, jise preside kiya gaya tha chief minister ke dwara. यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने जो है डायरेक्ट किया है कि लिंक किया जाए इस स्कीम को, मीन्स अटल भूजल योजना को जो है वो लिंक किया जाए अदर वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स के साथ, जैसे कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना और माइक्रो इरिगेशन स्कीम के साथ जो है लिंक किया जाए अटल भूजल योजना को. अटल भूजल योजना जो है ये हरियाणा में लॉन्च की गई थी विद द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक. सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक की हेल्प से जो है ये हरियाणा में लॉन्च की गई थी. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है क्रिएट किया जाए हाइड्रोजियोलॉजिकल डाटा नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और साथ ही साथ क्रिएट किया जाए कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द स्टेट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस जिले के सागर जागलान ने विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में जीत हासिल की है? ऑप्शन है हिसार, रोहतक, जींद और पानीपत. बताइए, आपसे पूछा गया है सागर जगलान जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. इन्होंने अभी जो है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग कंपटीशन जीता है. तो इसका सही आंसर है ये बिलोंग करते हैं पानीपत से. बी इसका सही आंसर होगा. इन्होंने जो है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग कॉम्पिटिशन में हराया है अमेरिकन रेसलर जेम्स मैकलर को. और किस कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है? 80 kg में. ओके, 80 kg कैटेगरी में जो है इन्होंने, 80 kg वेट कैटेगरी में जो है इन्होंने ये जीता है. ये कंपटीशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये 18 जुलाई को जो है ये स्टार्ट हुआ था कंपटीशन. और कहाँ पे ये कंडक्ट हुआ? ये कंडक्ट हुआ हंगरी में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के वाइस चांसलर कौन है? हु हैज बिकम द वाइस चांसलर ऑफ हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़? ऑप्शंस आर डॉक्टर बी आर कम्बोज, डॉक्टर तनकेश्वर कुमार, सोमनाथ सचदेवा और राजवीर सिंह. तो इसका सही आंसर है, इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर तनकेश्वर कुमार. बी इज द राइट आंसर. इससे पहले जो है ये वाइस चांसलर थे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ये है हिसार में. पहले इसके वाइस चांसलर थे, अभी ने वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आती है महेंद्रगढ़ में. ओके, हरियाणा में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? हरियाणा में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये आती है महेंद्रगढ़ में. अभी जो है न्यू वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट हुई है वाइस चांसलर की. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है. ओके, कहाँ कहाँ हुई है? 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हुई है. Now move to the next question. Next question is, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 के लिए स्टेट टीचर अवार्ड देने हेतु कितने शिक्षकों का चयन किया है? हाउ मैनी टीचर हैव बीन सिलेक्टेड बाई हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द स्टेट टीचर अवार्ड फॉर द ईयर 2020?
इसके लिए चुने गए हैं 44 टीचर, सी इज द राइट आंसर। ओके, और ये जो है ऑनर किया जाएगा टीचर्स डे जो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर को जो है इन टीचर को ऑनर किया जाएगा, 44 टीचर जो सिलेक्ट किए गए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा की। स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है भजन लाल बिकम चीफ मिनिस्टर थ्राइस, जो भजन लाल है वो 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं 1979, 1982 और 1991 में। उसके बाद है ही फॉर्म द पार्टी नेम्ड हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। एंड देन उनके डेथ के बाद इनके बेटे कुलदीप बिश्नोई इन्होंने मर्ज की अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अंबकेश्वर महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अंबकेश्वर महादेव टेम्पल जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ऑप्शंस आर हिसार, रोहतक, जींद और कैथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है कैथल में। ये आप नाम से ही देख सकते हैं ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, महादेव लॉर्ड शिव को ही बोला जाता है और माना जाता है कि इसकी एग्जिस्टेंस जो है ये महाभारत से भी पुरानी है, महाभारत के समय से भी पुरानी एग्जिस्टेंस है इस टेम्पल की। और इसे जो है पातालेश्वर और स्वयंलिंगा भी बोला जाता है, पातालेश्वर और स्वयंलिंगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरेंद्र नड्डा इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। जो सुरेंद्र नाडा है वो कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, शूटिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी या फिर टेनिस। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाडा जो है ये खेलते हैं कबड्डी, सी इज द राइट आंसर। कबड्डी के ये प्लेयर है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, झज्जर से बिलोंग करते हैं और ये पार्ट थे 2016 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसका ये पार्ट रहे हैं। और अभी प्रेजेंट में जो है ये डिफेंड एज अ डिफेंडर प्ले करते हैं फॉर द पटना पायराइट फ्रेंचाइजी ऑफ प्रो कबड्डी लीग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कौन सी जगह पे आती है, ऑप्शन है पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला और रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आती है चंडीगढ़ में, बी इज द राइट आंसर। इसे जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है CSIR का, CSIR का ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। और ये जो है प्राइमियर नेशनल लैब है जिसे जो डेडिकेटेड है टू रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट। वो आप नाम से ही देख सकते हैं साइंटिफिक एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर ये लैब है। ओके, इसे एस्टैब्लिश किया गया था अक्टूबर 1959 में, एस्टैब्लिश इन अक्टूबर 1959। इनिशियली ये दिल्ली में थी, दिल्ली में से इस्टेब्लिश किया गया था इनिशियली, फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया 1962 में चंडीगढ़ में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इज आल्सो नोन एज। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताया है, तो आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है ये बोला जाता है कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे को। ओके, डी इसका सही आंसर होगा। और जो वेस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आता है KMP दैट इज कुंडली, मानेसर और पलवल। ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जो कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे है ये जो है नेशनल एक्सप्रेसवे 2 के नाम से जाना जाता है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है ये, 6 लेन। स्टेटस इसका ऑपरेशनल है, अभी ये ऑपरेशनल है। लेंथ है इसकी 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसे मेंटेन किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI के द्वारा, और इसमें स्टेट कवर होती हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यूपी। ओके, और जो मेजर सिटी कवर होती हैं वो हैं सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद एंड देन पलवल। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है इसे डिक्लेयर किया गया था नेशनल एक्सप्रेस वे 2006 में, और इससे जो है एक्सपेक्ट किया गया था कि ये डाइवर्ट करेगा जो हैवी व्हीकल हैं फ्रॉम दिल्ली,
जिससे दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो गुड होगी, क्योंकि हैवी व्हीकल से जो है काफ़ी पोल्यूशन होता था दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। और जो कलेक्टिवली अगर हम बात करें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे प्लस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की, ये दोनों मिलकर जो है लार्जेस्ट रिंग रोड बनाते हैं अराउंड दिल्ली। ओके, लार्जेस्ट रिंग रोड अराउंड दिल्ली। अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर में हमने बात की ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा डेवलपमेंट वर्क को लेकर, जहाँ पे विलेजर्स जो है अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं और कुछ भी इशू हो वो यहाँ पे दे सकते हैं, और इस पोर्टल का नाम है ग्राम दर्शन। ओके, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर 6 क्लस्टर को लेकर बनाया है। ये किस स्कीम के रिगार्डिंग बनाया गया है? अटल भूजल योजना को लेकर। सागर जगलान, ये वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग कॉम्पिटिशन में इन्होंने मेडल जीता है, ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वाइस चांसलर जो है चुने गए हैं हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के, तो वो चुना गया है डॉक्टर तनकेश्वर कुमार को। हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्टेट टीचर अवार्ड 2020 के लिए चुना है 44 टीचर्स को। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया। स्टैटिक जीके में हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड था, जहाँ पे 3 स्टेटमेंट थी भजन लाल को लेकर। भजन लाल जो है वो 3 बार सीएम रहे हैं 1979, 1982 और 1991 में, एंड ये जो है इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से। उसके बाद हमने बात की अम्बकेश्वर महादेव टेम्पल ये आता है कैथल में। सुरेंद्र नाडा जो है ये कबड्डी के प्लेयर है। एंड देन सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आती है चंडीगढ़ में। इनिशियली ये दिल्ली में थी, चंडीगढ़ में इसे शिफ्ट किया गया था 1962 में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जो है कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।